हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं इंग्लिश में मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ बीम इन इंडिया। देखो, इस बीम जो है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में हमें सब कई बार बता चुका हूं इसके बारे में। बीम इन द सेंस जो ऑन साइट सारी चीजें होने वाली हैं, उन सारी चीजों को कंप्यूटर के माध्यम से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे सारा चेक कर लेना, सारा बना लेना कि कैसा बनने वाला है। रही बात इसके स्कोप की, आप खुद से आइडिया लगाओ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद से आइडिया लगाओ। अगर 10 करोड़ का प्लॉट है, पूरी की पूरी जो आप वर्क करने वाले हो, 10 करोड़ रुपए आपके लगने वाले हैं उस पे, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं कि केवल मुझे 1,00,000 रुपए दे दो। कितना दे दो? 1,00,000 रुपए दे दो। वो जो 10 करोड़ आप लगाने वाले हो, वो सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको दिखा दूंगा। सोचो, 10 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट करके कोई चीज खरीदने जा रहे हो, वो कैसे बनेगा इन फ्यूचर, आज से 4 साल बाद, आज से 5 साल बाद। मैं सिर्फ 1,00,000 रुपए लेके आपको कंप्लीट प्रेडिक्शन विद वर्चुअल प्ले, लाइक आप कोई लोग चल रहे हैं, कोई गार्डन कैसा है, कोई स्कूल कैसा है, सब कुछ मैं आपको दिखा दूंगा। किसको प्रॉब्लम होगी गाइज, ठीक है? बल्कि वो बोलेगा, एक नहीं यार, तुम 2,00,000 रुपए ले लो, मुझे एकदम वही फील करा दो कि मेरा क्या बनने वाला है। अब उसे बेनिफिट समझो तो स्कोप अपने आप आ जाएगा। उसे बेनिफिट ये होगा गाइस कि मैं बिल्डर हूं, मान लो मैं बिल्डर हूं और अब मैं 10 करोड़ लगाने वाला था। तुम क्लाइंट हो, क्या हो? तुम क्लाइंट हो, तुम अपार्टमेंट खरीदने आए थे मेरे पास। अभी तुम आओगे मेरे पास तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पेपर लूंगा, मैं इस पर एक प्लान दिखा दूंगा और तुम प्लान देखोगे अच्छा कुछ ऐसे बनने वाला है। तुम सोचोगे ले कि ना ले पता नहीं। उसके जगह पे मेरे पास एक बीम कंसल्टेंट है, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ उसे मॉडल बना रखा है। मैंने बोला आपको देखना है कि आपका घर कैसा बन के दिखेगा, एक अच्छा सा 3D मॉडल दिखाया, एक वीडियो दिखाया, और वीडियो में मैंने दिखाया कि देखो आपका ये जो अपार्टमेंट होगा, इसमें जो बालकनी होगी इधर होगी, ये इस डायरेक्शन है, यहाँ से सनलाइट आएगा, और आपका जो बच्चा है स्कूल के लिए बाहर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने उसके लिए प्ले स्कूल आपके ग्राउंड में ही बना रखा है। आपको खेलना है, अपने बॉडी को फिट रखना है, तो मैंने जिम भी आपके लिए बना दिया है, स्पोर्ट्स क्लब भी बना दिया आपके लिए। आप सब दिखा रहे हो उसको, जो आप 100 करोड़ रुपए या फिर 10 करोड़ रुपए जो भी आपका बजट है उस पर आप जो करने वाले हो, वो सब आप क्लाइंट को दिखा रहे हो। क्लाइंट फील कर रहा है कि मेरा बच्चा स्कूल में ऐसे पढ़ता रहेगा, मैं ग्राउंड में ऐसे खेलता रहूंगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ मैं इस पार्क में बैठा रहूंगा। तरह तरह की चीजें आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, क्लाइंट फटाफट बुकिंग करवा के जाएगा। आप जो मुझे 1,00,000 रुपए मतलब एक बीम कंसल्टेंट मैं देने वाला था, उससे कहीं ज़्यादा वो बंदा खुश होकर मुझे जल्दी जल्दी से बुकिंग दे देगा। तो उससे क्या होगा, मेरा जो अपार्टमेंट 4 साल में जो बनने वाला था, वो 1 साल पहले एडवांस में ही मैंने सेल कर लिया। एडवांस में 1 साल में सेल कर लिया, आप समझ सकते हो 1 साल का जो इंटरेस्ट होता है 10 करोड़ का कितना होता है, आप आइडिया लगा लो। 15% 20% का रिटर्न आजकल मिल जा रहा है लोगों को। तो क्या हुआ, 15% 20% का रिटर्न से हमारी पैसे की सेविंग हुई, प्लस बुकिंग जल्दी हो रही है, प्लस क्लाइंट को कंफर्ट हो रहा है कि भाई मेरा चीज कैसा बन के दिखने वाला है, मुझे पहले से पता चल चुका है। कितना फायदा हुआ, और साथ ही साथ ये भी फायदा हो रहा है कि आप बीम मॉडल के माध्यम से पता कर सकते हो, कोई ऐसा तो नहीं रहेगा फ्लैट जिसमें वेंटिलेशन ना हो प्रॉपर, कोई ऐसा तो नहीं होगा जहां पर अपार्टमेंट में लाइट सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी, सोलर पैनल कम अच्छे से लग पाएंगे, ये भी आपको पता चल पा रहा है। वाटर सप्लाई में प्रॉब्लम तो नहीं जाएगी, ये भी आपको पता चल जा रहा है। आपको ये भी पता चल जा रहा है कि अगर हम लोग गैस का कनेक्शन करवाते हैं तो प्रॉपर सबके घर में पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, पहुंच पाएगा तो वायरिंग कहां से होगी। आपको ये भी पता चल पा रहा है कि लाइट्स कहां पर लगाना कंफर्टेबल है, मुझे अगर यहां पे लाइट चाहिए, क्यों चाहिए, मुझे पहले से मैंने प्रेडिक्शन कर रखा है, तो मैंने क्या किया, मैंने अंडर वायरिंग करके प्रॉपर यहां पर लाइट सेट कर रखा है। नहीं तो जनरली हम लोग के घरों में क्या होता है, जो हम लोग के पुराने घर होते हैं, एक पाइप ले आएंगे, एक तार ले आएंगे, लटकाएंगे, और अपने जो हम लोग के जो गाँव वाले घर होते हैं उसमें क्या करते हैं, एक बल्ब लगा देते हैं, और बल्ब लगने लगता है, हमारे घर में भी है, तो बल्ब लगा देते हैं, बल्ब से जल रहा है, वो आँख को भी इफेक्ट कर रहा है, और ये क्या है, इजी वे में पढ़ने के लिए फायदा कर रहा है, समझ रहे हो? ये तो बहुत छोटी चीज है। तो मतलब जो भी चीजें आप करने वाले हो, उस चीज को प्रॉपर देख लिया तो कौन नहीं चाहेगा इस चीज को। तो गाइस, इसलिए बीम का जो स्कोप है कॉर्पोरेट में थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा, तो बीम कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो मैं आपको तो यही सजेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके बीम के लिए परफेक्ट रहो। बीम इंडिया में बहुत तेजी से रिकवर हो रहा है, आप मेरी मत मानो, आप बीम मैनेजर की, बीम मॉड्यूलर की जॉब सर्च कर लो गूगल पे, आपको कितने ढेर सारे जॉब मिलेंगे हर सिटी में,
सिर्फ रिक्वायरमेंट एक अच्छे बंदे की जिसके पास नॉलेज हो। तो बीम कंसल्टेंट का जो पूरा कंप्लीट कोर्स होता है, चाहे जॉब के लिए चाहे खुद के काम के लिए, मैंने पूरा बना दिया है गाइस। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ 150-200 घंटे का लेक्चर है। आपको मोबाइल पर लैपटॉप पर बैठ जाइए और वॉच करिए आराम से। कहाँ पे है यूनिक्स एप्लीकेशन, आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर में जाइए, स्टोर में जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिए। कितना ईजी है, 2 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट मिल जाएगा। आप एक एक करके डेली एक एक लेक्चर पढ़ते रहिए। बहुत कम फीस रखा हुआ है हमने, इतने कम फीस में तो आप आराम से, मतलब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बट ये बोलूँगा कि मैं जितना कम हो सकता है उतना कम फीस दे देता हूँ आपको। तो बीम का जो स्कोप है इंडिया में बहुत बढ़ने वाला है, ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। फॉरेन कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बूम पे चल रहा है। दुबई वगैरह में तो हर एक कंसल्टेंट क्या कर रहा है, पहले बीम कंसल्टेंट से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, कैसा बनेगा, उसकी रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी, उसके व्यूज कैसे रहेंगे, सब कुछ वो पहले से प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। और अच्छी भी चीज़ है, मेरा जो लाइफ का गोल मान लो है कि मेरे लाइफ का जो गोल है कि मैं 1000 लोगों के साथ कन्वर्सेशन करूँगा, सपोज ये मेरा गोल है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर मैंने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया कि 1000 लोग को मैं यहाँ पे बैठा सकता हूँ, ये एक स्पेस होगा, एक आदमी के लिए इतना स्पेस लगेगा, तो भगदड़ नहीं होगी ना गाइस, ठीक है। अदरवाइज मैं 1000 लोगों को बुला लिया छोटे से कमरे में 10x10 में, क्या होगा, भगदड़ होगा, लोग एक दूसरे पर लड़ेंगे, अटकेंगे, ठीक है। तो उससे बेटर है कि हमने प्रेडिक्ट कर लिया है कि एक इंसान की स्टैंडर्ड साइज क्या होती है, उसके लिए स्टैंडर्ड चेयर की साइज क्या होगी, हमने प्रॉपर सेट कर लिया और लगा दिया। कितना ईजी है, ठीक है। तो इसलिए बीम का बहुत स्कोप है इन फ्यूचर, और होप आपको भी समझ में आया होगा इस वीडियो के माध्यम से कि बीम कितना लेवल पे जाने वाला है। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, बीम से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट करो, हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे इन वीडियोस को। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।